अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं जिनेश त्याग हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आया हूँ और यहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ। यहाँ कल हमारा कॉन्वोकेशन है और उसमें गवर्नर साहब आ रहे हैं पंजाब के, जो हमारे वाइस चांसलर हैं। तो उस सिलसिले में आज हमारी रजिस्ट्रेशन थी। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोलीग्स आए हुए हैं जो कि यहाँ पर अपनी जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो लेंगे। मेरा, खैर मैंने टेस्टिमोनियल अपनी ले ली हुई है और मेरा भी सुबह गोल्ड मेडलिस्ट में मेरी नोटिफिकेशन थी, तो उसके लिए मैं इधर आया हुआ हूँ। अभी हमने गाउन ले लिए हैं, रजिस्ट्रेशन करा ली है, काफ़ी सारे गेस्ट आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले जो सामने मैं आपको दिखाता हूँ काउंटर में, वो हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है। कैसे हुई वो दिखाते हैं आप। ये है जी हमारी यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस गेट। जी विवर, तो अभी मैं आपको सारा दिखाने लगा हूँ कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है जो मेन कैंपस है। ये यहाँ पे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही हैं और रजिस्ट्रेशन जो हमारी हैं वो आपको दिखा रहे हैं। जी विवर, ये हमारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रही हैं, आपको ये दिखा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पर रजिस्ट्रेशन हो रही हैं और ये राइट साइड पर सारी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। ये हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन हो रही हैं डिग्री की, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे गोल्ड मेडलिस्ट की थी वो भी आपने दिखा दी हैं। और अभी आगे मेन जो हमारा है, जो कॉन्वोकेशन जहाँ पे हो रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। चल के आए जी वहाँ पे जाके देखते हैं। जी व्यूअर्स, अभी मैं अपने जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट, उनके साथ मैं खड़ा हूँ। तो इस सिलसिले में आपको बताते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी एजुकेशन है यहाँ पे, बहुत अच्छी फैसिलिटेशन है, बड़ी बड़ी अच्छी लैब्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन होती हैं, PhD लेवल के स्टूडेंट्स हैं सारे। तो ये मेरे साथ हैं, ये इंजीनियर हैं, बेसिकली सिविल इंजीनियर हैं, और इनका बैकग्राउंड अभी आजकल ये XCN है CNW में। तो इनका, मेरे कोलीग भी इनसे एक्सपीरियंस जानते हैं। जी विकास साहब, आप कैसे, आपका ये टेन्योर गुजरा और कैसे आपने पाया इस जो MPhil की डिग्री को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पहले थी सर सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद मेरी ना ये जो टेक्निकल स्किल थी वो बिल्कुल ठीक थी, मैनेजमेंट स्किल के लिए मैंने MPhil प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, जो ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी है ना सर, ये अच्छी और इसके एजुकेशन जो है बहुत ही आला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। तो यहाँ पे जो विकास साहब जो टीचर हैं वो सारे PhD थे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, जो उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे UET का जो स्टाफ है सर, जो रिटायर भी हैं और जो ऑन ड्यूटी हैं सर, वो हमारे टीचर हैं सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नॉलेज वो हमें देते हैं और हम उनसे अच्छा सीखते हैं। तो जी वीवर, ये हमारे कुलीग थे और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने भी शेयर किया, और भी फर्दर भी आगे चलते हैं जहाँ कॉन्वोकेशन हो रहा है, तो वहाँ भी आपको चल के फर्दर इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी वीवर, मेरे साथ अभी और स्टूडेंट हैं जिनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा। जी मैडम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, जो आपने एजुकेशन ली है, अभी आज कॉन्वोकेशन डे है, तो ज़रा बताइएगा इनको।
जी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत सुनते हैं बच्चों की और बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं, हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोगों की। बड़े अच्छे से हमारा टाइम गुजरा है, थैंक यू। तो ये अभी और फर्दर इंटरव्यू भी लेते हैं लोगों का, तो वो कैसे पढ़ाई कैसी हुई है यहाँ पे और कैसी डिग्री इनको मिलेगी। ये मेरे साथ और भी काफ़ी सारे कोलीग हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी ज़रा पूछते हैं। जी भाईजान, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे एजुकेशन? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो हमारी 2 साल कारकर्दगी थी, हमने उसको प्रूव किया, दिखाया कि हम मेहनत कर सकते हैं। और आज हमें ये मेहनत का सिला कि हमारा पूरा कैंपस देख रहा है, कि हमारी ख्वाहिश है कि और भी हमारे बहन भाई जो हैं पढ़ें, पढ़ाई की तरफ जो है तवज्जो दें, ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सारी वीडियोस, सारे लोग बैठे हैं, अब मैं इनके बना रहे हैं वीडियो। ये जी सारा नेशनल एंथम था। पढ़ रही हैं, इसमें आपको कैसा लगा पढ़ के? ये इस तरह से अच्छा एक्सपीरियंस है, फोर्थ ईयर है, लास्ट ईयर चल रहा है, तो अच्छा है ओवरऑल, अल्हम्दुलिल्लाह गुड है। तो आपकी कौन सी ये क्वालिफिकेशन किस में कर रही हैं आप? सर मैं BS मेडिकल इमेजिंग कर रही हूँ, BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो ये इसकी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पे नज़र आती है पंजाब में, पाकिस्तान लेवल पे? सर स्कोप काफ़ी है, अवेयरनेस है, अभी हो रही है मजीद, और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है उस फील्ड का स्कोप बढ़ता है, और इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब कामरान करे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, ये अब्दुल्ला है और इसका भी रिजल्ट आज आ गया है, तो मेरे कॉन्वोकेशन के डे में ही इसका भी रिजल्ट आ गया, तो मैंने कहा जी इसको भी व्लॉग में शामिल करते हैं। तो ही इज़ नाउ इन 4th class और बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, Grade A+ है इसका। और ये इसको भी शौक था ये गाउन पहनने का, मैंने कहा चलें जी आपको भी इसमें ऐड करते हैं। तो अब्दुल्ला भी बड़ा माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हमारा कॉन्वोकेशन का डे है, इसमें गवर्नर साहब आएंगे, आज 2nd day है, कल रिहर्सल डे था, तो आज मैं आ गया हूँ अर्ली मॉर्निंग। तो अभी हम चलते हैं कॉन्वोकेशन की तरफ और आपको बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं और सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाएंगे। और जो सबसे पहले वो PhD वाले जो हैं, वो स्टूडेंट्स जिनकी PhD क्लियर हुई है, वो आपको उनको टेस्टिमोनियल देंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसके बाद बाकी लोगों को डिग्री अवार्डिंग जो है वो उनकी शुरू होगी और ये सारा प्रोसेस होगा। इधर से आए, आ जा, ऐसे ही आ जा। We are starting with an informal session. A very good morning to all of you, family. We believe that your 5 minutes time we are starting up with our informal session. Are that informal session?
यू कैन हैव योर आइडियाज, यू कैन बी ऑन योर सीट एंड यू कैन एंजॉय, बट वंस वेल नाउ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम सुपीरियर एंड इफ यू वांट टू परस्यू योर एजुकेशन यू शुड बी कांस्टेंट टुडे एंड दैट शुड बी द स्माइल गोल्ड मेडलिस्ट की लाइन है बगैर स्माइल्स के जुनैरा शाह अमार अहमद मोहम्मद यासीन सिदरा बशीर शाहिद रियाज महनूद नवीद अंजुम अनस बिन यूसुफ जुल्फिकार अली अयाज राशिद मुश्ताक आफरीन सैयद इब्राहिम जावेद इकरा आयशा बशीर खुर्रम अनीस मलिक मुजस्सम गफूर जैनुल आबिदी जी व्यूअर्स ये देखें जी गोल्ड मेडल मिल गया है माशाल्लाह गवर्नर साहब ने दिया है और ये इसकी हमारी अचीवमेंट थी दो साल की तो उससे लिए ये अभी अब हम वापसी के लिए निकलते हैं तो माशाल्लाह ये रेडी हो गए अल्लाह का शुक्र है आपने जो कुछ स्माइल्स एंड लाफ्टर एंड लाफ्टर दैट यू हैव शेयर्ड देयर जी व्यूवर्स अभी मैं इधर आया हूँ ये कॉन्वोकेशन के जो खाने का इंतज़ाम है ये सारी सीटिंग अरेंजमेंट और ये सारा कुछ है तो
ये भी यहाँ पे है सारा सिस्टम। इसके बाद गवर्नर साहब ने एड्रेस करना है और उसके बाद ये खाना होगा। जी व्यूअर्स, ये था सारा प्रोग्राम जो था, आपको मैंने कन्वोकेशन के दो दिन की जो लाइव फुटेज थी वो दिखाई और ये सारा एक्सरसाइज दिखाई और इसमें गोल्ड मेडल मुझे मिला, बाकी लोगों को भी मिले और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम था और बड़ा अच्छा हो गया और बड़ा फिट है और बड़े लोग खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं जी, हमें गोल्ड मेडल मिला है। और ये सारी जो वीडियो मैंने आपके लिए शेयर की है और ये आपको उम्मीद है पसंद आई होगी, ये सारी जो भी इधर यहाँ एक्टिविटीज़ हुई हैं। जी व्यूअर्स, ये थी आज की सारी एक्सरसाइज और जो मैं गोल्ड मेडल मिले सारी वीडियोस मैंने आपसे ये ओवरऑल इसकी मैंने प्रेजेंट कर दी है। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो पसंद आएगी, ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। इश्तियाक की साइनिंग ऑफ, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।